Okay, I have to do it on my own. He's thinking I'm unable to do it. But the reality is that I was just letting him win because I'm the champion of this game. Just like that. Hello, Pansy Boy. Hi, Pansy Boy. How are you? Why don't you do one on your own? Where is it? Fatak se aa gaya yaar. Already? No, it's not possible. Wait, I'm gonna give him a tough one. Yes! कभी ढूंढा है मेरे माइंड में जेम्स बॉन्ड नहीं दिख रही कबीर गुड इवनिंग गुड इवनिंग टर्न कर गया कब्बू कब्बू आई डोंट वांट टू वेक यू अप बट मामा वांट्स यू टू गेट अप राइट नाउ आई थिंक शी हैज अ सरप्राइज प्लान फॉर यू तो कबीर अपनी आफ्टरनून नैप ले रहा है लास्ट 2 आवर्स से नॉर्मली हम इस टाइम पे उसको उठा देते हैं बट जैसे आपने देखा कि उसको बहुत तेज नींद आ रखी है और बिल्कुल नहीं उठ रहा है और उसको देख के बिल्कुल मन नहीं करता कि भाई उसको उठाओ बट ये आफ्टरनून नैप ज्यादा एक्सटेंड करना भी अच्छी बात नहीं है क्योंकि फिर उसको जो रात की नींद है वो काफी लेट आएगी और उसका रूटीन जो है वो गड़बड़ हो जाएगा तो उठाना बहुत जरूरी है लेकिन उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि इस टाइम पे कोई शोर मचा रहा है कुछ कर रहा है वो उठ के बोलेगा कि मुझे टीवी दिखा दो कबीर मम्मा की आवाज से उठता है देखिए जरा चंदा है तू रिजेक्टेड तुम्हारा गाना रिजेक्ट हो गया मानो ओह व्हाट फन इट इज टू राइड इन अ वन हॉर्स ओपन स्ले हे हे बिग ब्यूटीफुल सरप्राइज फॉर यू हैमलीज व्हाट द फर्स्ट वर्ड कमिंग आउट ऑफ हिज माउथ इज हैमलीज उली बाबा जब बच्चे सो के उठते ना ऐसे मन करता गुल्ली बिल्कुल गुल्लो बिल्कुल ना इनको खा जाओ पूरा मामा पार्क रेंजर बेसिकली एक यूट्यूब में चैनल है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा बट उसके अंदर एक फादर है और एक सन है और वो लोग डायनासोर्स वगैरह के साथ खेलते हैं डायनासोर्स उनको अटैक करता है तो कबीर को उसको देख के बहुत एंजॉय करता है क्योंकि कबीर का इस टाइम पे डायनासोर फेवरेट है और डायनासोर से याद आया मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था मानो तुम भी क्यों पीपिन कर रहे हो आ जाओ मानसी ना कैमरा देख के उसको लगता है कि भाई मैं आ जाऊं बस कैमरा में ना किसी तरीके से लाइमलाइट से ना दूर नहीं रह सकती मानसी तो गाइस जैसे मैंने प्रॉमिस किया था आपको थोड़े दिन पहले कि कबीर का डायनासोर ये देखो कबीर का डायनासोर कलेक्शन मैं आपको दिखाऊंगा तो आज के इस वीडियो में मैं चाहता था कि कबीर का डायनासोर कलेक्शन मैं आपको दिखाऊं तो सबसे पहले मैं आपको टॉय कलेक्शन दिखाता हूं ये कबीर का सबसे फेवरेट और सबसे बड़ा डायनासोर है ये एक टीरेक्स है और आप साइज देख सकते हैं कि साइज बहुत जबरदस्त है इसका ये वॉक करता है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ टच सेंसर्स है जैसे आप यहाँ पे टच करेंगे तो डायनासोर जो है वो रिएक्ट करता है तो यहाँ पे टच करेंगे तो वो रोर करता है और प्लस यहाँ पे एक बटन है वो तो ये कबीर का ही नहीं बट मेरा भी फेवरेट है मुझे भी इसे खेलना बहुत अच्छा लगता है उसके बाद कबीर के पास ये एक और टीरेक्स है ये मैंने लिया था हैमली से कुछ टाइम पहले इसकी बैटरी जो है वो खत्म हो गई है लेकिन ये भी रोर करता है तो इसके मुंह को आप हाथ लगाओ तो ये रोर करता था और भी कुछ एक्शंस वगैरह करता था बट इसकी बैटरी अभी खत्म हो गई है इसको डालना है तो ये इसका सेकंड डायनासोर है सेट का कबीर के और उसके बाद है ये ब्रोशियोसॉरस तो ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डायनासोर है जैसे आप पार्ट्स वगैरह देख के समझ गए होंगे कि अलग अलग मूविंग पार्ट्स है इसके अंदर इसको ऑन करके मैं दिखाता हूँ आपको तो ये इसका रिमोट है अगर इसको ऑन करेंगे तो आपने देखा कि इसको मैंने यहां से जब ऑन किया तो ये चलने लग गया उसके बाद इसको फ्रंट और बैक का भी ऑप्शन है तो मैं अगर ये बैक प्रेस करूंगा तो ये पीछे की तरफ चल के आएगा और मैं फ्रंट प्रेस करूंगा तो ये आगे की तरफ चल के जाएगा तो ये बहुत ही कूल टॉय है ये मैंने झंडे वालन से लिया था और अगर इसका लिंक अवेलेबल होगा तो मैं अमेजोन का लिंक डाल दूंगा तो ये कबीर के 3 डायनासोर है तो ये है कबीर का लेटेस्ट सेट इसके अंदर एक ट्री हाउस है जिसके साथ खेलना उसे बहुत अच्छा लगता है और ट्री हाउस के साथ ये पार्क रेंजर भी आता है ये जैसे आप देख सकते हैं कि एक फिगरीन टॉय है इसके पास एक बैग है बेसिकली एक हंटर टाइप फिगरीन है जो अपने कार में बैठ के डायनासोर की हंट करने जाता है इस कार में बैठ के
बट ये देखिए ये सिटिंग पोजीशन में आ गया और ये डायनासोर की हंट करता है। तो कबीर को ये प्रिटेंड प्ले के लिए बहुत अच्छा लगता है कि ये डायनासोर आता है अटैक करने और ये पार्क रेंजर जो है वो डायनासोर के अटैक से बचाता है। ये भी इलेक्ट्रॉनिक डायनासोर है, इसके अंदर भी बैटरी है और मेरे ख्याल से यहाँ पे स्पाइन में, तो स्पाइन में प्रेस करेंगे तो ये साउंड निकालता है। तो कबीर को ये भी बहुत अच्छा लगता है इससे खेलना। उसके बाद कबीर के पास ये एक छोटा डायनासोर है, ये ब्लू टॉय है जो आपने अगर जुरासिक पार्क के लेटेस्ट मूवीज देखे होंगे तो उसमें एक ब्लू करके डायनासोर कैरेक्टर, ये वेलोसिराप्टर है। और साथ में ये नानी उसके लिए ऑस्ट्रेलिया से टीरेक्स लाई थी जिसकी अब टांग जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से तोड़ दी है कबीर ने। ये इसका साउंड है और ये कबीर के बाकी एनिमल टॉयज है जिनके साथ कबीर इन डायनासोर्स की फाइट करवाता है। तो कभी डायनासोर जो हैं वो सुपर हीरोज हो जाते हैं और सबको हरा देते हैं और कभी इनमें से जैसे कभी बुल कभी लायन सुपर हीरो हो जाता है और वो डायनासोर्स को हरा देता है। तो वो बहुत अच्छी तरीके से अपना प्रिटेंड प्ले वगैरह करता है। मेरे को अगर मौका मिलेगा तो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा आगे के वीडियोज़ में। ये कुछ शर्ट्स और कपड़े भी रख के गए थे ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि ये डायनासोर से रिलेटेड उसके कपड़े हैं। और इसके अलावा ये डायनासोर पुलओवर है जो कबीर को उसकी बेस्ट फ्रेंड दृष्टि ने गिफ्ट किया था, तो ये उसका फेवरेट है इस टाइम पे। ये डायनासोर है और ये कलर्स वगैरह चेंज करता है, ग्रीन येलो हो जाता है। तो कबीर को ये पुलओवर पहनना भी बहुत अच्छा लगता है। और कुछ कपड़े हैं जो अभी कबीर के पुराने हो गए हैं और शॉर्ट हो गए हैं तो वो नहीं पहनता है, बट उनमें भी डायनासोर वगैरह थे और अभी भी एक टी शर्ट पहनी हुई उसमें भी डायनासोर है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कबीर का डायनासोर जो है वो एब्सोल्यूट फेवरेट बन चुका है। इससे पहले पेपा पिक था, उससे पहले एवेंजर्स था, उससे पहले बचपन में कुछ और था चूचू टीवी वगैरह जब वो देखता था। तो इस तरीके से उसकी लाइकिंग जो है वो चेंज हो रही है और इवॉल्व हो रही है और मैं भी उस एवोल्यूशन का पार्ट हूँ क्योंकि डायनासोर और एक्शन फिगर्स मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं बचपन से ही और इस टाइम पे भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं उसके साथ फुल पार्टिसिपेट करता हूँ और इनफैक्ट जब वो शॉप में जाता है तो उससे पहले मैं नज़र घुमाता हूँ कि भाई डायनासोर की कोई चीज़ पड़ी है तो मैं उठा लूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत मज़ा आता है। और कुछ दिन पहले मैंने आपसे एक और बुक शेयर किया था विच वॉज डायनासोर रिलेटेड, जो काफ़ी लोगों ने परचेज भी किया और काफ़ी लोगों को बहुत अच्छा लगा, बहुत अप्रिशिएट किया। और ये एक्टिविटी कबीर जो है वो बहुत अच्छी तरीके से करता है चाहे वो डे हो या नाइट हो, इसलिए मैं दोबारा आपसे आज शेयर करना चाहता हूँ। ये है डायनासोर एटलस बुक जिसके अंदर एक बहुत बड़ा आपको मैप मिलेगा और साथ में इस बुक के अंदर स्टिकर्स मिलेंगे। तो बच्चों को ये स्टिकर्स निकालने होते हैं, आइडेंटिफाई करना होता है कि इस स्टिकर से रिलेटेड डायनासोर मैप में कहाँ पे है और उसके बाद स्टिकर को वहाँ पे पेस्ट करना होता है। दरवाजा ओपन करके मत चले जाना कभी। जो कॉन्सेप्ट मुझे कबीर ने सिखाया ना उस कॉन्सेप्ट से तो मेरे को भी कभी डोर खोलना नहीं आया। तो गैस मुझे लगा कि हम लोग एक मस्ती ट्रिप करने बाहर जा रहे हैं और कबीर को घुमाने लेके जा रहे हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। तो जैसे आपने लास्ट व्लॉग में ही देखा कि मुझे एक नया फोन मिला और मैंने 4 साल वेट करने के बाद वो फोन लिया क्योंकि मेरे पुराने फोन सारे खराब हो चुके थे। और कोइंसिडेंटली जिसके बारे में मुझे बात करनी है मानसी से, बट कोइंसिडेंटली मानसी का पुराना आईफोन जो है वो आज ही खराब हो गया। कल ही आपने व्लॉग देखा, आज वो खराब हो चुका है। और परसों व्लॉग देखा, 2 दिन हो गए हैं। सो गाइस एक परफेक्ट एग्जांपल है कि लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। 2 दिन पहले हम खुश थे कि सौरभ ने आईफोन 12 ले लिया, नया आईफोन, सौरभ का नया फोन, और 2 दिन बाद हम उदास हैं क्योंकि मेरा फोन ऑन भी नहीं हो रहा है। तो ये बिल्कुल ऑन नहीं हो रहा, तो अब हम क्रोमा जा रहे हैं बिकॉज ये 2 साल पहले क्रोमा से लिया था तो उन्होंने कहा आप यहाँ ले आइए तो हम यहीं से आगे रिपेयर के लिए भेज देंगे। तो गाइस परफेक्ट एग्जांपल है कि अगर हस्बैंड एक नया फोन ले ले और वाइफ नया फोन ना ले, ये तो कुदरत भी नहीं होने देना चाहता। तो मानसी का फोन बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे खराब हो गया और हम सर्विस सेंटर जा रहे हैं उसे या तो रिपेयर करने या फिर एक्सचेंज करने। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड। तो हम लोग आ चुके हैं सर्विस सेंटर से, तो मानसी का फोन जो है वो सर्विस सेंटर में रहेगा थोड़े दिन। उन्होंने बोला कि भाई क्योंकि बिल्कुल डेड फोन है, ऑन ही नहीं हो रहा है, तो हमें पता नहीं कि भाई क्या लगेगा, कैसे लगेगा, कितना खर्चा आएगा और कितने दिन में मिलेगा, नो आइडिया। वो कल परसों में जब सर्विस सेंटर से कॉल आएगा तब पता चलेगा। इस लड़के को देखो, इसको ज्वेलरी भी पहनना है, सब कुछ करना है। ये देखो मामा की एक्टिंग कर रहा है, मामा की एक्टिंग कर रहा है। Mom, come. No, how do I say hi guys? Welcome back to Mom, come India. No, no. तो
तो मानसी का जब फोन नया नया आया था तभी उसके हाथ से गिर गया था और उसका बैक टूट गया था, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो चला रहे थे हम लोग और आराम से 2 साल से ऊपर निकल गया। तो एप्पल के सर्विस सेंटर के साथ ही मिनेसो का स्टोर था, तो वहाँ से मैंने ये टॉयज़ उठा लिए। कबीर काफ़ी टाइम से बोल रहा था कि भाई मेरे पास कुछ नए टॉयज़ नहीं आए हैं, तो मुझे लगा कि उसके लिए ले लेता हूँ। और वो इन टॉयज़ को पा के बिल्कुल खुश और एक्साइटेड हो गया। घर पे आके ही उसको चाहिए था कि भाई मुझे इन टॉयज़ के साथ खेलना है। हमने चेंज वेंज करके वो बेड पे बैठ जाता है और उसके बाद हमें ये फाइटिंग गेम खेलनी पड़ती है जो 1 से 1.5 घंटा और कभी कभार 2 घंटा भी चलती रहती है। बट गाइज डू शेयर द फीडबैक। मैं लास्ट 4-5 दिन से ऑलमोस्ट रेगुलर आप लोगों के लिए व्लॉग्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कबीर के मोमेंट्स और कबीर की चीज़ें दिखाने के लिए। तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको अच्छा लग रहा है, कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं दे सकता हूँ, कुछ और कवर कर सकता हूँ कि नहीं, प्लीज़ लेट मी नो एंड आई वुड लव टू डू दैट। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट एंड विल बी बैक विद अनदर व्लॉग। बाय, गुड नाइट।